नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की जितनी तारीफ की जाए कम पड़ेगा। चौथी पारी में वैसे तो बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, बड़े से बड़े बल्लेबाज भी फ्लॉप हो जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने शुभमन गिल ने न सिर्फ खुलकर बल्लेबाजी की बल्कि रन भी बनाए। शतक का मौका था, मात्र 9 रनों से चूक गए, वरना कई इतिहास रच डालते। भारत के इस ओपनर बल्लेबाज ने दिलेरी पारी खेली, 91 रन बनाकर आउट हुए, पर उन्होंने अपना काम कर दिया। 146 गेंदों का सामना करते हुए शुभमन गिल ने 91 रनों की लाजवाब इनिंग खेली, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। नाथन लियोन ने शुभमन गिल को स्लिप में कैच आउट करवाया। नाथन लियोन की एक ऑफ स्टंप की गेंद पर काफ़ी हल्के हाथों से शुभमन गिल खेल बैठे, जिसके बाद गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा कैच स्टीवन स्मिथ ने लेकर शुभमन गिल के इस दिलेरी पारी को अंत किया। शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 18 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद चेतेश्वर पुजारा के साथ उन्होंने शतक साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया। भारत के इस नौजवान खिलाड़ी को शतक बनाने का सुनहरा मौका था पर गंवाया। हालांकि अपने इंटरनेशनल करियर का दूसरा 50 लगाने में शुभमन गिल ने मौका नहीं गंवाया, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उन्होंने एक कीर्तिमान भी रचा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर चौथी पारी में 50 जड़ने वाले वो दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में शुभमन गिल ने दिलीप वेंगसरकर को पीछे छोड़ दिया है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 369 रन बनाए थे। इसके जवाब में पहली पारी में भारत ने 336 रन बनाए और दूसरी पारी में 33 रनों की बढ़त लेते हुए कंगारू टीम ने 294 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 328 रनों का टारगेट मिला। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।